क्षितिजल पावक गगन समीरा, आज तक तुसे रचित शरीरा। आखिर कब तक दवा खाएंगे? अपना ये कृपा शक्ति। दवा छोड़े, जिंदगी बचाए, कृपा शक्ति अपनाए। सभी रोगों की एक दवा, कृपा शक्ति आयुर्वेदा। अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपनाइए कृपा शक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि कृपा शक्ति में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड क्या है, थायराइड किस प्रकार की होती है और थायराइड के लक्षण क्या है, और दोस्तों साथ में मैं आपको बताऊंगी अंत में कि थायराइड का ट्रीटमेंट क्या है और साथ ही थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है या वजन घट गया है, या कुछ दिनों से आपके शरीर में आलस्य आ रही है, या आपको थकान महसूस हो रही है, या दोस्तों आपके पैरों में सूजन आ गई है? अगर कोई भी ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो दोस्तों आप थायराइड से ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, बदलती लाइफस्टाइल के कारण शरीर में तमाम तरह के रोग लग जाते हैं, उन्हीं में से एक है दोस्तों थायराइड। दोस्तों, थायराइड दो प्रकार का होता है। एक थायराइड वो होता है जिसमें व्यक्ति का वजन घटते चला जाता है, और दोस्तों दूसरा प्रकार का थायराइड वो होता है जिसमें व्यक्ति का वजन बढ़ते जाता है, साथ ही दोस्तों उसका हार्मोन्स भी असंतुलित होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये समस्या अधिक देखी गई है। इसका मुख्य कारण महिलाओं में ऑटोइम्यून की समस्या है। दोस्तों, थायराइड से संबंधित बीमारी अस्वस्थ खानपान और तनावपूर्ण जिंदगी जीने के कारण होता है। दोस्तों, जब शरीर में वात और पित्त और कफ होता है तो वो थायराइड होता है। दोस्तों, आप आयुर्वेदिक उपचार के जरिए थायराइड का समाधान कर सकते हैं, साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं का भी आप थायराइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक उपचार द्वारा आप वात और कफ को दूर कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं जिससे आपका थायराइड सामान्य हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड क्या है। दोस्तों, आमतौर पर थायराइड की बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों, शुरुआत में तो इस बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह बीमारी गले पर दिखाई देने लगती है, जिसे हम दोस्तों थायराइड कहते हैं। दोस्तों, थायराइड जब अपनी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो गले पर गोलाकार स्थिति बन जाती है, साथ ही दोस्तों हमारे हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी हमारा वेट ज्यादा हो जाता है तो कभी हमारा वेट कम हो जाता है, जिसे दोस्तों हम थायराइड ही कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी थायराइड के प्रकार। आजकल हर 10 में से 2 व्यक्ति थायराइड की समस्या से ग्रसित है। दोस्तों, थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपरथायरायज्म होता है, एक हाइपोथायरायज्म होता है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी थायराइड होने के कारण। दोस्तों, शरीर में मौजूद हार्मोन्स की कमी के असंतुलित होने के कारण भी हमें थायराइड होता है। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी भी होती है तो भी हम थायराइड बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको पहले भी ये बीमारी हुई है तो इसके जो अंश होते हैं वो पहले से भी शरीर में मौजूद होते हैं, जिसके बाद ये बीमारी आपको दोबारा हो जाती है। दोस्तों, दूसरा है, व्यक्ति की उम्र 30 साल से ज्यादा होने के कारण भी थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अगला है, अनुवांशिक कारणों की वजह से भी हम थायराइड से ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड है या पहले भी हो चुका है तो दोस्तों हमें भी थायराइड का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गलत खानपान या अधिक तेल मसाला खाना भी थायराइड की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, यदि हम जंक फूड या बाहरी चीजें खाते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस समस्या से समाधान पाना है तो आप बाहरी चीजों का कम से कम सेवन करें, आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होगा, साथ ही आपकी जीवन शैली पर भी उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
दोस्तों, जो व्यक्ति हाइपोथायरिज्म का शिकार होता है उसे कमजोरी और थकान महसूस होती है और धीरे धीरे दोस्तों उसका वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो थायराइड के हाइपोथायराइड के साथ ही दोस्तों थायराइड से पीड़ित व्यक्ति के बाल भी कमजोर हो जाते हैं और उसे हर बात में चिड़चिड़ापन होने लगता है, वो अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगता है। दोस्तों, अगर बात हाइपरथायरिज्म की करें तो इस प्रकार के थायराइज्म में व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, साथ ही दोस्तों व्यक्ति को गर्मी लगने लगती है और व्यक्ति को कमजोरी साथ ही चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। साथ ही दोस्तों हाइपरथायरिज्म की स्थिति में व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, साथ ही व्यक्ति चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी थायराइड के इलाज के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर लोग हर छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हो सभी का इलाज घर पर ही करते हैं, क्योंकि घर पर अगर हम इलाज करते हैं तो दोस्तों उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसलिए दोस्तों बूढ़े बुजुर्ग हमेशा किसी भी बीमारी हो उसका इलाज हमेशा घर पर ही किया करते थे। दोस्तों, थायराइड उन बीमारियों में से है जो आजीवन चलता रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में आप आयुर्वेदिक उपचार का सहारा ले सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप घरेलू नुस्खे का भी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप थायराइड से काफी हद तक समस्या से समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, पहला है अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों, रात में सोने से पहले अगर आप गाय के एक गिलास दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीते हैं तो दोस्तों आपको थायराइड से काफी समय तक के लिए राहत मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप अश्वगंधा के पत्ते और चूर्ण को भी गर्म पानी में भी मिलाकर पी सकते हैं, ये भी आपके लिए दोस्तों काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हार्मोन्स जो है वो असंतुलित होने से बचता है, साथ ही दोस्तों आपको थायराइड की किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होती है और आपको कुछ समय के लिए आराम मिलता है। इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है मुलेठी। मुलेठी का सेवन भी आपके थायराइड के लिए दोस्तों काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला प्रमुख तत्व आपके थायराइड को रोकता है। दोस्तों, मुलेठी में ट्रिटरपेनोइड और ग्लाइसेरथेनिक पाया जाता है, जो आपके थायराइड को रोकने में काफी हद तक काफी मददगार साबित होता है। दोस्तों, अगला है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक असरदार आयुर्वेदिक औषधि है। दोस्तों, थायराइड होने वाले मरीजों को त्रिफला चूर्ण एक चम्मच लेना चाहिए, क्योंकि आपको थायराइड में होने वाले दर्द में आराम दिलाता है। दोस्तों, अगला है हल्दी दूध। एक गिलास दूध और चिटके भर हल्दी तमाम रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। दोस्तों, अगर आप रात में सोने से पहले एक गिलास दूध में हल्दी डालकर पीते हैं तो आपकी थायराइड जैसी बीमारी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये रोजाना आपको करना है, साथ ही दोस्तों और भी जितनी भी तमाम बीमारियां है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हल्दी दोस्तों हर मर्ज की दवा है। दोस्तों, अगला है काली मिर्च। थायराइड के रोगियों को काली मिर्च का सेवन करना भी काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से काली मिर्च का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में होने वाले संतुलन को कम करती है, साथ ही आपको नियमित रूप से दोस्तों फायदेमंद है काली मिर्च का सेवन करना। दोस्तों, काली मिर्च जहाँ शरीर में बिगड़ने वाले संतुलन को कम करती है तो वही दोस्तों खून को भी साफ करती है। इसलिए दोस्तों हमें काली मिर्च का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, खासकर अगर थायराइड की बीमारी हो तो हमें इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, यह आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, थायराइड के घरेलू उपचार के साथ ही इसके आयुर्वेदिक उपचार भी है। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का समाधान चाहते हैं और इससे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी समस्याओं का समाधान भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। रचित सरीरा।